अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फैसल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो थीम शेयर करूंगा उसका नाम है स्पेशल ग्रेडियंट यूआई। इसमें आपको काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। एक प्रीमियम थीम आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। यहां पे आपको कमाल का वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा और फुल यहां पे आपको कस्टमाइज थीम देखने को मिल जाएगी। आई होप रियलमी यूआई 2.0 कलर 11 में भी वर्क करेगी और रियलमी यूआई 1.0 कलर 7 में भी वर्किंग है। और इसमें आपको काफ़ी अच्छी नई कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी, डायलर पैड और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम आईडी शो रही होगी, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पर मैं थीम्स के रिलेटेड वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ आपको थीम फाइल के अंदर या थीम में कोई भी बग्स देखने को मिलते हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा कि आपकी हर जो है सवाल का जवाब दे सकूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस थीम को परमानेंटली अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं रियलमी यू आई 1.0 कलर 7 तो ये थीम आपकी डिवाइस में परमानेंटली वर्क करेगी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं थीम स्टोर का वर्जन 7.1.1, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ 7.1.1 थीम स्टोर का वर्जन, और आई मोड प्रो ऐप जो है 1.3.4 आपने यूज़ कर लेनी है। और अगर आप यूज़र हैं रियलमी यू आई 2.0 कलर 11 के तो 7.4 बीटा आपने थीम स्टोर का वर्जन अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, और आई मोड प्रो का सेम वर्जन आपने अपनी डिवाइस के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तभी ये थीम आपकी डिवाइस में परमानेंटली वर्क करेगी विदाउट एनी 5 मिनट ट्रायल एरर। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से थीम फाइल को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने ओपन कर लेना है फाइल मैनेजर। ओपन करने के बाद आपने जाना है फ़ोन स्टोरेज में जहाँ पे आपने थीम को डाउनलोड करके रखा होगा, उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। वहाँ पर आपको इस तरह की थीम देखने को मिल जाएगी, तो आपने इस थीम पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको इस थीम का कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। हाईली कस्टमाइज आपको यहाँ पर थीम देखने को मिल जाएगी। ट्राई मी के बटन पर आपने क्लिक करना है, थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम अप्लाई होने के बाद 5 मिनट ट्रायल का एक एरर आपको देखने को मिलता है। इसको बाईपास करने के लिए आपने आई मोड प्रो एप्लीकेशन को अपनी डिवाइस के अंदर डाउनलोड करना है और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपने 1 से 2 मरतबा टैप कर देना है। थीम आपकी परमानेंट हो जाएगी, कोई भी यहाँ पर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे थीम की, तो आपको होम स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। कमाल का यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा और आइकन पैक आपको बहुत ही कमाल का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लॉक विजेट आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल की लुक आपकी डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। यूजली ये क्लॉक विजेट आपको थर्ड पार्टी ऐप्स में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको बिल्ट इन ये जो है क्लॉक विजेट देखने को मिल जाएगा। और बैटरी आइकन काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, नेटवर्क आइकन भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। डायलर पैड के लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको डायलर पैड का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, एक नई लुक आपको देखने को मिल जाएगी डायलर पैड के अंदर, प्रीमियम लुक आपकी डिवाइस को प्रोवाइड करेगी। नोटिफिकेशन पैनल का लुक भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको तमाम न्यू आइकन्स देखने को मिल जाएंगे और न्यू इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी प्रीमियम लुक आपकी डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। सेटिंग इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, टोटली न्यू आइकन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और हर सेटिंग के अंदर आपको बैक पे वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएगा और ये वॉलपेपर आपको हर सेटिंग के अंदर जो है चेंज देखने को मिल जाएगा। मैसेजिंग ऐप के इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मैसेजिंग ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है नई लुक देखने को मिल जाएगी मैसेजिंग ऐप के अंदर, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप में भी आपको काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, काफ़ी कमाल का यहाँ पे आपको क्लॉक विजेट देखने को मिल जाएगा और प्रीमियम लुक आपकी डिवाइस को यहाँ पे देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी थीम भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की थीम्स मैं आपके लिए लाता रहूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।